देखिए, दो चीजों की तरफ बात करनी है। एक तो मसला ये जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक की जानिब से तबीयत से लोड शेडिंग की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में, और कहीं 2.5 घंटे, फिर उसके बाद 1 घंटे लाइट आ रही है, फिर 2 घंटे, 4 घंटे। लोग इतनी गर्मी में रात में किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, और जब इतना ज्यादा हब्स होगा लोगों के घरों में, तो क्या ये एक बहुत अच्छा हम माहौल फराहम कर रहे हैं कोरोना की जैसी आफत के दरमियान? लोगों का इम्यून सिस्टम खाक काम करेगा जब वो गर्मी में और हिद्दत में और पसीने में शराबोर होंगे और मर रहे होंगे? तो बात ये है कि ठीक है, प्राइवेट इदारों को दे दी गई चीजें, और मैं तो ज्यादा बोल भी नहीं सकता, मेरे ऊपर वैसे भी पाबंदी है अदालत की तरफ से, और मैं वो केसेस जो भी मेरे ऊपर है मैं सब भुगत रहा हूं, सारे जा रहा हूं पेशियों पर। लेकिन मैं इस चीज पर खामोश नहीं रहूंगा कि जो लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है, लोगों के घरों में 45-45 दिन का बगैर विजिट किए बिल भेजे जा रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है लोगों के घरों पे, जब हुकूमत कह रही है, हुकूमत सिंध की, सही है जी इसमें रिलीफ दिया जाएगा, इसमें कोई रिलीफ नहीं, ईद के बाद से लोगों के घरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और दूसरी एक तरफ तो ये जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ जिन बच्चों के, जो बच्चे मरे थे उन बच्चों की FIRें सी क्लास की जा रही है। मैं जस्टिस गुलजार साहब से अपील करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि सर प्लीज उन तमाम FIRों पे देखें जिनके बच्चे बारिश में मरे, जिनकी FIRें हमने किस किस तरह से कटवाई, कितनी मुश्किलात से उन फैमिली ने इन सारे मामलों को झेला, और जो भी मामला जो दीगर हम पे केस हुआ है वो भी देखें अदालत। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो प्राइवेट स्कूल माफियाज हैं, जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ना हुकूमत की बात सुनते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, अब जो उन्होंने नया सिलसिला शुरू किया है कि ऑनलाइन वो क्लासेस होंगी, तो जिस गरीब के 4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब वो 4 कंप्यूटर खरीदे जाके पहले मार्केट में, फिर उसके बाद 4 इंटरनेट के कनेक्शन ले, या 4 लैपटॉप खरीदे, तो वो कहां से लाएगा ये 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए? तो कोई है, कोई भी सियासी तंजीम, कोई ऐसी शख्सियत है जो आवाम के इन मसाइल के ऊपर बात करेगी और इनको जाके लोगों को सच बताएगी? भाई किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, वो अगर अपनी यूनिवर्सिटी में जो बेटी है उसको दिलवा देगा लैपटॉप, तो बाकी बच्चों का क्या होगा? ये सब हो क्या रहा है सिर्फ फीस के लिए? और स्कूल वाले लेटर भेज रहे हैं कि आपने फीस जमा करानी है, अगर आपने फीस नहीं दी, हम नहीं मानते किसी हुकूमत वगैरह को, अगर आपने फीस नहीं दी तो फिर आप किस्तें करवा लें, किस्तें भी हम आपको देंगे इंस्टॉलमेंट करके, बसूरत दीगर आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल। तो जब एक शख्स कमा ही नहीं पाया 4 महीने कुछ, स्कूल अलग बंद पड़े में 5 महीने से 4 महीने से, तो इस सूरत हाल के अंदर ये सारा प्रेशर वो कैसे झेलेगा? कंप्यूटर खरीदना, लैपटॉप खरीदना, इंटरनेट के कनेक्शन लेना, 4-4, 5-5, वैन की फीस देना, ये सारे मामला तो कैसे झेलेगा? और इनके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा, समझ में ये भी नहीं आ रहा है। मैं तो नहीं बोलता इन चैप्टर पे, मैं तो अभी अस्पताल ले रहा हूं, जो अस्पताल बंद पड़े में उन अस्पताल में वर्किंग कर रहा हूं। सिंध गवर्नमेंट ने बोला है हम आपको अस्पताल दे देते हैं, अब उस पर वर्किंग चल रही है, हम तो फ्री अस्पताल खोलना चाह रहे हैं। गरीब आदमी एक रात के 1-1 लाख रुपए कैसे भरेगा? वो कहां से लेगा 1.5-1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन? तो कोरोना की आफत को झेले, या जो लोग इस वक्त फायदे उठा रहे हैं लोगों से उनको झेले। दुआ करें हमारे मामला चल रहे हैं, अगर हमें अस्पताल मिल जाता है 400 बेड का, तो बिल्कुल फ्री अस्पताल खोलने जा रहे हैं। और ये स्कूल माफिया और के इलेक्ट्रिक माफिया के लिए, अगर हमें रोडों में निकलना पड़ा तो हम इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।